हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग हो रहा है शाम से स्टार्ट, क्योंकि दिन भर तो ऐसा कुछ था नहीं कि ब्लॉग बनाए। तो अभी शाम और मैं निकल रहे हैं नीचे खेत में, वहाँ चल रहा काम, कुछ काम चल रहा है, तो हमें चाय देने जाना है, चाय देने चल रहा है और आपको दिखाते हैं वहाँ काम क्या हो रहा है। तो वहीं मिलते हैं आपसे, बाय बाय। और बरसात में यहाँ के रास्ते का ऐसा हाल हो जाता है, कीचड़ कीचड़। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं खेत पे और आपको दिखाते हैं क्या काम हो रहा है। कीचड़ तो बहुत खतरनाक हो रहा है यहाँ चलने लाइक में, और साफ से बढ़ रही। खेत में जाके दिखाते हैं आपको वहाँ काम क्या हो रहा है। ये पहुँच गए हम खेत में, चाय वाले चाय ले ले चाय। खेत में ही पानी हो रहा है, वहाँ चल रहा काम। चलो आपको पास से दिखाते हैं, पास से क्या काम चल रहा है। दीदी लगी है खेत में, घास काट रही है। शक्ल देखो इसकी कैसी बना रही है। तो यहाँ पे चल रहा काम, और एक काम ही चल रहा है कि जो नीचे वाला जो प्लॉट है, प्लॉट में ऊपर से दीवार बनती, क्योंकि यहाँ हाथी चढ़ जाते हैं और जो भी फसल लगी रहती है हाथी उसको बर्बाद कर देते हैं। इस बार गेहूँ लगाए थे, थोड़े से भी गेहूँ नहीं बच पाए इस खेत के। इतना बड़ा ये प्लॉट है, लास्ट देखो वो वाला और ये वाला प्लॉट, थोड़े से भी गेहूँ नहीं बच पाए, क्योंकि यहाँ से हाथी चढ़ जाते हैं और पूरा ख़त्म कर देते हैं। उस वजह से काम आ रखा है इसको तो करवा रहे। ये वाली दीवार बन रही है, इतनी बड़ी दीवार पूरे वहाँ लास्ट तक खेत में बनेगी। यही काम चल रहा था यहाँ खेत में। तो अभी हम जा रहे हैं दुकान चाय के साथ बिस्कुट लेने, देखते हैं दुकान खुली है तो वहाँ से बिस्किट लेके आते हैं। सबके लिए चाय बन के आई थी ओ, और दुकान यहाँ पर हो रखी है बंद। शान दुकान तो बंद है, दुकान हो रखी है बंद, इसमें दुकान है। तो अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाते हैं। चलो, जहाँ हम रहते हैं ना टनकपुर में, यहाँ से कितने पास में कुछ है आपको अभी दिखाते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं दो चीजें हैं, क्या क्या अभी आपको दिखाते हैं। तो रहा पीछे यहाँ काम चल रहा है, वहां से हम बहुत आगे आ गए हैं, यहाँ दिखाते हैं आपको क्या है। बहुत बढ़िया बढ़िया दो चीजें हैं, और हार ने अभी टॉफी दी है, इसकी बर्थडे की टॉफी। यहाँ भी इतनी बची पड़ी है, बस उन्हीं को खाने में लगाया। बची थी तो अभी देखो आपको दिखाते हैं क्या है। पहुंच गए हम लोग वहाँ पे, पहली चीज़ है ये है नदी, बड़ी सी नदी। बहाव भी इतना तेज आ रखा है, अभी इसमें गाय भी रुकी पड़ी है। कल इतना तेज बहाव था ना यहाँ, वो जो हम लोग भैंसें जो खोलते हैं जंगल के लिए, इस साइड जंगल है, भैंस जो खोलते हैं भैंसें भी बह रही थी, वो वहाँ नीचे पर चले जा रहे थे वहाँ को, इतना तेज बहाव था। आज तो फिर भी कम है, पर फिर भी गाय रुकी पड़ी है वहाँ पे। ये देखो यहाँ पे हम जा रहे हैं, और इतने में पैर यहाँ तक साइड में पानी हो गया, बह जाए उधर को जाए। इसको देखो ये ऐसे आ रहा है। चलो और आ गया, आगे को आगे वहाँ को जा, मेरी तरफ क्यों आ रहा है, नहीं बहेगा मैं वो तो। और आ गया वो गाय भी इसी वजह से रुकी, क्योंकि बहाव बहुत तेज है तो वहाँ से आ नहीं पा रही। हम बहुत साइड में हैं, यहाँ इधर पे है, इतने में ही हम लोग खड़े हैं और यहाँ इतना भाव है। वहाँ देखो वहाँ वो गाय खड़ी है, मेरे पैर यहाँ तक डूब गए थे आगे जाने को, बहुत भाव है। वो गाय आ रही है, आ जा। चल पीछे हो जा। तो चलो अब आपको दिखाते हैं दूसरी चीज, ये तो कुछ इस तरह का है। तो अब दूसरी चीज के लिए चल रहे हैं, दूसरी चीज दिखाते हैं आपको, भी बहुत पास में ही है वो वहाँ पर प्लॉट है, और यहाँ पर ये नदी है, और एक चीज और है अब आपको दिखाते हैं। उसका एक स्पेशल ब्लॉग आएगा, पूरा उसी का आएगा, बट अभी दिखाते हैं आपको है क्या।
को दिखाते हैं। यहाँ पूरी गायें चढ़ती हैं, लेकिन शाम को बैठने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि बढ़िया है, यहाँ घास ही घास है। तो अभी दूसरी चीज़ की तरफ हम आ गए हैं, पहुँच गए हैं वहाँ, तो देखो क्या है। और वो है रिजॉर्ट, ये रिजॉर्ट है, अंदर एसी वाले रूम है सारे, और बर्थडे के लिए बहुत बढ़िया है। अंदर ही स्विमिंग पूल भी है, सब कुछ है। यहाँ तरंगपुर से करीब 2 किलोमीटर अंदर चीनी गोट पड़ता है। चीनी गोट में एक रिजॉर्ट है, परे वाला बड़ा रिजॉर्ट है, सब लोग यहीं आते हैं, बहुत भीड़ हुई रहती है। इसका एक पूरा ब्लॉग बनाएंगे और अंदर से दिखाएंगे आपको कैसा है। बड़ा रिजॉर्ट है, वहाँ लास्ट तक है वो, बहुत सारे रूम भी बना रखे हैं इसमें। अभी बाहर से दिखा रहा हूँ, एक दिन पूरा इसका ब्लॉग बनाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएगा ब्लॉग भी इसका, ये वाला बनाएंगे। तो अभी हम लोग अब घर को जाने लग गए हैं, चाय पी ली होगी, चाय के बर्तन लेके घर को जाना है। फिर देखते हैं, भूख भी लग रही है, आज दिन में हल्का सा खाया था, तो मैगी बनाएंगे अभी, मैगी खा के ये वाली वीडियो एडिट करेंगे। और ये कल कितनी तारीख है, 6 तारीख ना, हाँ कल 6 तारीख मॉर्निंग में ये वाला ब्लॉग आ जाएगा। तो सभी लोग ये वाला ब्लॉग भी देखना, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना कि ब्लॉग कैसे बन रहे। मैं यहाँ ना टनकपुर पे अपनी दीदी लोगों के यहाँ रहता हूँ, और यहीं इनका यहाँ से प्लॉट है। और ये जो शान है जो मेरा भांजा है, दीदी का लड़का है, और ये हद से ज़्यादा शैतान, कुछ कहना ही नहीं है, इसको भी अब फोन पकड़ाऊँगा, ये ब्लॉग बनाएगा। यह ना, ये आपको जो नदी दिखा रहे थे, ये नदी यहाँ पर है, और ये यहाँ से प्लॉट शुरू होता है इनका। ये प्लॉट है, ये जो दीवार बन रही है ना, उसी में काम चल रहा है। यहाँ क्या होता है कि यहाँ से जो हाथी आते हैं जंगल से, तो पूरी जो भी फसल लगती है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो उस वजह से अब ये दीवार आ रखी है, वो बनवा रहे हैं ताकि हाथी इतनी जल्दी चढ़ ना पाए। फिर भी आ तो जाएगा, क्योंकि वहाँ इस साइड से भी खुला है और वहाँ से भी खुला है, आ तो जाएगा, फिर भी इतना नहीं आ पाएगा, अपने खेत से नहीं चढ़ पाएगा। तो ये वाले प्लॉट इनके यहाँ से शुरू हैं, और जो घर है वहाँ लास्ट, जहाँ से अभी हम आ रहे थे वहाँ तक के प्लॉट हैं। तो इस साइड को तो कुछ भी खेती नहीं बचती, इस बार गेहूँ लगाए थे, गेहूँ में से यहाँ गेहूँ घास तक नहीं मिली, गेहूँ तो छोड़ो घास भी नहीं मिली उसकी। तो इतना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ हाथियों की, सीजन में तो बहुत घर तक ही आ जाते हैं। अभी रहने के लिए यहाँ पर एक पौरी मतलब एक झोपड़ी टाइप की बनाए रहते हैं दूमझली रहने के लिए खेत में। अभी आपको दिखाऊँगा, अगर वो यहाँ से दिखती है तो उसको दिखाऊँगा, उसमें रहते हैं। फिर भी वो हाथी वहीं अटैक करने लगते हैं, तो भागना पड़ता है रात में, उस वजह से उसमें भी कोई रहता नहीं। वो लास्ट में जहाँ पर वो खड़े हैं उसके आगे जो खंभे दिख रहे हैं ना, वो पौरी बना रखी है, तो वहाँ रहते हैं। हाँ, अभी जब गेहूँ लगे थे तो यहाँ पर ये लोग रात में सो रहे थे, अचानक हाथी आ गया, तो वहाँ से कूद के भागे, और हाथ वाथ में भी लग गई थी, छिल गया था हाथ, जाके लोग सोते थे यहाँ। और ये पूरे आजकल धान लगा रखे हैं, ये वाला खेत हमने इसी वजह से छोड़ दिया था कि यहाँ बर्बाद हो जा करके खाली घास लगा रखी है बस। इतना बड़ा एक प्लॉट और ये है, और इतना ही बड़ा एक नीचे है। बर्तन ले जाने हैं क्या, जब पूछ के आते बर्तन ले जाने, चलते। तो अभी हम पहुंच गए हैं घर, और अब सिया से बनवाते हैं मैगी। उसने इसके डर से कमरे में लगा रखा है कुंडा, क्योंकि ये बहुत परेशान कर देता है, उससे खुलवाना पड़ेगा, कि अब तेर साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा ये, तो खोलेगी वो और उससे बनवाएंगे मैगी बना देती है, पर बर्तन हमें धोने पड़ते हैं, तो मैगी अभी बनवाते हैं उससे। सांझा मैगी लिया, और इसके कल बर्थडे वाली गाड़ी है ये, गाड़ी इतनी खतरनाक है, ये पबजी की जैसी बग्गी है ये कुछ भी कर लो ये चल जाती है। तो अभी मैगी बन गई है, और मैगी भी टेस्टी बनी है, मिर्च बहुत हो रही है, बढ़िया बनी रखी है। चलो मैगी खाते हैं और उसके बाद एडिट करते हैं ब्लॉग। तो आप लोग कल आप लोगों के पास वीडियो आ जाएगी, तो सभी लोग देखना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि ब्लॉग कैसे बन रहे हैं। बाय बाय।